एमपी सरकार ने सेना से मांगी मदद। आर्मी और सेंट्रल इंस्टीट्यूट के अस्पतालों में होगा कोविड मरीज का इलाज। शिवराज बोले 3 महीने तक गरीबों को फ्री राशन। शिवराज बोले संकट में हम हैं ना तुम्हारे साथ। कोविड केयर सेंटर में छूट दे रहा हूँ, जितनी जरूरत है अनुमति है आप बना लीजिए, राशि आपके पास है, जरूरत पड़ेगी मैं और भेज दूंगा, उसकी चिंता मत करना। और कोविड केयर सेंटर में स्टाफ की भर्ती में कंजूसी मत करना, जो जैसा मिले आप उपयुक्त होना चाहिए, बस आपको अधिकार दिए गए उन अधिकारों का जो गाइडलाइन उसी के अनुरूप आप उपयोग करो। कोविड केयर सेंटर में चाय नाश्ता भोजन उसकी व्यवस्था, और वहां से जरूरत पड़े कुछ जिन्होंने अच्छी पहल की कोविड केयर सेंटर में कुछ आक्सीजन बेड भी रख दिए, अगर वैसा हो सके तो वैसा करें, उसके बाद जरूरत पड़े तो फिर अस्पताल लाने की व्यवस्था करें। देखो आप जानते हैं कि अस्पताल के बिस्तर भर गए, हमको किसी भी कीमत पर संक्रमण की चेन को तोड़ना ही है। ये व्यवस्था अगर हम करेंगे तो मेरा विश्वास है कि अस्पताल में आने वालों की संख्या घटेगी। कोरोना से बेकाबू हालत के चलते अंत में मध्य प्रदेश सरकार को केंद्र सरकार के बाद अब सेना से मदद मांगनी पड़ी है। प्रदेश में एक्टिव केस 75,000 हो गए हैं। बेड कम पड़ने के कारण अब आर्मी और केंद्रीय संसाधनों के अस्पतालों में कोरोना मरीजों का इलाज हो सकेगा। इस संबंध में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को पीएम नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से बात की है। यही नहीं, एमपी सरकार गरीबों को 3 माह का राशन भी मुफ्त देगी। शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि 2 करोड़ परिवारों को काढ़ा भी बांटा जाएगा। कोरोना की पहली लहर में भी सरकार ने 3 माह का राशन बीपीएल कार्ड धारकों को मुफ्त दिया था और घर घर काढ़ा भी बांटा गया था। सीएम ने सोमवार को सुबह पीएम नरेंद्र मोदी से कोरोना संक्रमण की रोकथाम के संबंध में फोन पर चर्चा की। शिवराज ने बताया कि प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश को ऑक्सीजन, रेमडेसिविर इंजेक्शन एवं अन्य स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता को लेकर आश्वासन दिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से आर्मी के अस्पतालों को कोरोना के मरीज के इलाज को लेकर चर्चा हुई है। मुख्यमंत्री ने आर्मी के अफसरों के साथ एक बैठक भी की है। कलेक्टर को कोविड सेंटर बनाने की छूट। मुख्यमंत्री ने बताया कि केंद्रीय संस्थानों, रेलवे और सुरक्षा संस्थाओं सहित अन्य अस्पतालों में कोरोना मरीजों की भर्ती की जाएगी। इसको लेकर प्रदेश के सभी कलेक्टरों को केंद्रीय संस्थानों के प्रबंध से बात करने के निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए हैं। उन्होंने कहा कि जिले में आवश्यकता है कि अनुसार जितने भी कोविड केयर सेंटर खोलने की जरूरत हो तैयारी के साथ शुरू करें। सरकार की तरफ से इस काम के लिए उन्हें पूरी छूट दी जाएगी। इंदौर की तर्ज पर बड़े शहरों में खुलेंगे 2000 बेड के अस्पताल। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के बड़े महानगरों में सरकार स्वयंसेवी संस्थाओं की मदद से 2000 बेड का अस्पताल खोलेगी। उन्होंने कहा कि इंदौर के राधा स्वामी सत्संग व्यास के 2000 बेड के अस्पताल जैसा प्रयोग भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर सहित अन्य बड़े शहरों में होगा। उन्होंने बताया कि इंदौर के अस्पतालों में बेडों की संख्या 2000 से बढ़कर 6000 करने के निर्देश दिए हैं। तेज न्यूज की तेज खबरें सबसे पहले पाने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।